75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के विभिन्न हिस्सों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हर जगह जश्न आजादी की धूम देखने को मिली। इन कार्यक्रमों में जनता के प्रतिनिधि यानी सांसद, विधायक, पार्षद तथा अन्य नेता भी पहुंचे। इसी तरह का एक कार्यक्रम मुरादाबाद के गलसहीद पार्क में आयोजित किया गया, जहाँ ध्वजारोहण के लिए स्थानीय सांसद डॉक्टर एसटी हसन भी पहुंचे। ध्वजारोहण के बाद उन्होंने राष्ट्रगान शुरू किया तो राष्ट्रगान ही भूल गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल सांसद एसटी हसन अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ ध्वजारोहण कार्यक्रम में पहुंचे थे। जैसे ही उन्होंने तिरंगा फहराया, उनके साथ खड़े लोगों ने जोर जोर से राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी पंक्ति में सब अटक गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सांसद भी अब खुद अपने कार्यकर्ता का मुंह देखने लगे। अंत में जब किसी को कुछ आगे नहीं आता तो आगे की लाइन याद नहीं होने पर सांसद भी धीरे धीरे जय हो बोलने लगे और ध्वजारोहण का कार्यक्रम खत्म हो गया। सोशल मीडिया में इनका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि राष्ट्रगान के बीच अटक जाने से कैसे सांसद असहज महसूस कर रहे हैं। गौर करने वाली बात तो यह है कि सांसद के साथ मौजूद सपा जिला अध्यक्ष डीपी अध्यक्ष सानू अली सानू सहित वहां मौजूद किसी भी शख्स को राष्ट्रगान याद नहीं था। सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम के झंडारोहण का वीडियो वायरल हो रहा है और लोग जमकर कमेंट करते हुए सांसद को ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, अगर देश चलाने वाले ही राष्ट्रगान भूल जाएं तो आम नागरिकों के लिए क्या संदेश जाएगा, या तो राष्ट्रगान का अपमान है। आपको बता दें कि सपा सांसद एसटी हसन अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद देर रात उन्होंने इस मामले में सफाई दी। एसटी हसन ने सोशल मीडिया पर राष्ट्रगान सुनने के बाद कहा कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुझे इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बनाया गया था, लेकिन वहां राष्ट्रगान गाने वाली दूसरी टीम थी जिन्होंने गाते समय कुछ गड़बड़ी कर दी। मैंने टोका भी, उसके पीछे खड़े लोगों ने राष्ट्रगान पूरा किया और हम वहां से चले गए। हालांकि लोगों ने यह फैला दिया कि मैं राष्ट्रगान भूल गए। मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है, बचपन से राष्ट्रगान पढ़ता आ रहा हूँ। ऐसी तमाम खबरों के साथ जुड़े रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी पर। नमस्कार।